हेलो फ्रेंड, मैं अंजुम सिद्दीकी आज आपके लिए लेकर के आई हूँ चुस्ता दाल की ग्रेवी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनती है। सबको ये बहुत पसंद आता है, तो चलिए मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि इसे कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने लिए है 1 किलो चुस्ता है, ये मटन का चुस्ता लिया है मैंने, इसे चरबोदा भी कहा जाता है। मैंने यहाँ पर 2 कप दाल ली है मसूर की, ये मैं ली हूँ 4 ऑनियन, अदरक, मिर्ची और लहसुन, इन सबको मैं एक साथ पेस्ट कर लूँगी। सबको मैं जार में डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी फाइन पेस्ट। यहाँ पे मैंने गरम मसाले में लिया है तेजपत्ता, इलायची, लौंग और दालचीनी। अब मैं इसमें ले रही हूँ 1 प्याज, फ्राई करूँगी मैं इसको। एक बाउल ले रही हूँ, इसमें मैं 2 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। इसमें डालूँगी मैं अब 1 चम्मच जीरा, धनिया पाउडर 1 चम्मच, एक कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ मैं। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें पानी मिला देंगे ताकि ये पेस्ट हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करके हम पेस्ट बना लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी गोलकी पाउडर, 1 चम्मच मैंने इस यहाँ पे गोलकी पाउडर दिया है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके हम साइड में रख देंगे। अब मैं एक यहाँ पे हांडी चढ़ा रही हूँ जिसमें मैंने सरसों तेल डाल दिया है। इसमें मैं प्याज, जो मैं 1 ऑनियन ली थी, उसे चॉप कर लिया है, उसे फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। मैं मटन को हमेशा मस्टर्ड ऑयल में ही पकाना चाहती हूँ क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसमें खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ, जो गरम मसाला मैंने लिया था, लौंग, इलायची और दालचीनी, तेजपत्ता। सबको मिक्स करेंगे हम, प्याज के साथ में ही फ्राई करेंगे ताकि इसमें एक फ्लेवर आ जाए। अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। जो मैंने मसाले ग्राइंड किए थे, प्याज, अदरक, लहसुन और लाल मिर्च खड़ी ली थी मैंने, इन सबको मैंने अच्छी तरह से पेस्ट कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके हम भुनेंगे। ये अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ। मीडियम आंच करके हम इसे ढक ढक करके भूनेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन जाए। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये भुन गया है। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे, जो मैंने एक बाउल में सबको पेस्ट किया था, इन सब मसालों को मैं इसमें ऐड करूंगी। सारे मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं डाल रही हूँ इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब मैं इसमें जो चुस्ता है उसे ऐड कर रही हूँ। इसे भी अच्छी तरह से डाल करके हम भुनेंगे। इसे धीरे धीरे हम धीमी आंच में ढक्कन लगा करके भूनेंगे। ये जितना भुनेगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए बहुत अच्छे तरह से भुन गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसूर दाल, इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। इन सब को हम डाल करके फिर से भूनेंगे। इसे हम जितना भुनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अब फ्लेम को हम लो करेंगे और ढक करके इसे 5 मिनट
पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चला लेते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये भुन गया है और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 1.5 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मसूर दाल हम लोगों ने डाला है, इसे पकने के लिए हमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा लगेगी। ये देखिए मैंने 1.5 लीटर पानी ऐड कर दिया। अब हम इसे अच्छी तरह से चला करके तेज आंच में पकने देंगे। इसे ढक्कन लगा करके हम आधे घंटे के लिए अच्छी तरह से कुक होने देंगे। लगभग आधा घंटा हो गया है, चलिए चेक कर लेते हैं ये कैसा बना। देखिए काफ़ी अच्छी तरह से सब गल गया है, दाल भी हमारा देखिए बहुत अच्छा सा गल गया है और जो चुस्ता है वो भी बहुत फ्लफी फ्लफी खूबसूरत लग रहा है देखने में। बन करके तैयार हो गया है, चलिए हम अभी इसे सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए बन करके हमारा चुस्ता तैयार हो गया है, ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही लाजवाब बन करके तैयार हुआ है। आप भी इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं ये कैसा बना है। हमें तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये, आप भी ट्राई करें, ज़रूर से ट्राई करके मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। फिर से मैं हाज़िर हो जाऊँगी नई रेसिपी के साथ में आपके साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त लेती हूँ, अल्लाह हाफिज़।